तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में रविवार सुबह नदी में तैरने गए 5 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि वह नदी में डूब गए होंगे। नागपुर के ग्रामीण अधीक्षक राकेश ओला ने बताया कि पीड़ित 12 लोगों के समूह में का हिस्सा थे, जो यवतमाल से तड़के की यहां पहुंचे थे। सबसे पहले सभी दरगाह गए, इसके बाद समूह के 5 लोग तैरने के लिए पास के स्थित कन्हा नदी के लिए निकल गए। हालांकि वे जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित नदी के गहरे पानी में बह गए। अधिकारियों ने बताया कि एक स्थानीय निवासी ने उन लोगों को बहते हुए देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और नदी के किनारे 5 लोगों के कपड़े पाए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने स्थानीय गोताखोर और SDRF की एक टीम की मदद की तलाश और अभियान शुरू किया। 5 लोगों की पहचान सैयद अरबाज, ख्वाजा बेग, सप्तहीन शेख, अयाज बेन और मोहम्मद अखुजर के रूप में हुई है।